देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। टीएमसी के नेता जेरेको ब्राउन ने नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है। ब्राउन ने मोदी पर पलटवार करते हुए उन्हें गुजरात का कसाई कह दिया। द बुचर ऑफ गुजरात एयर ड्रॉप्ड इनटू बंगाल। ही हैज नो आंसर्स टू बंगाल्स डेवलपमेंट मॉडल, सो इंस्टेड ही इज indulging in personal unsubstantiation attacks. दरअसल नरेंद्र मोदी ने पहली बार पश्चिम बंगाल में बोलते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। मोदी ने कहा कि ममता ने पश्चिम बंगाल को वोट बैंक बनाया है। साथ ही मोदी ने कहा कि उड़िया और बिहारी ममता के लिए बाहरी हैं, लेकिन बांग्लादेशियों के आने से उनका चेहरा चमक जाता है। केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। जम्मू में उन्होंने कहा कि मोदी को वोट देने वालों को समंदर में डूब जाना चाहिए। अरे जो मोदी को वोट देगा उसको समंदर के अंदर डूब जाना चाहिए। अरे जो मोदी को वोट देगा उसको समंदर के अंदर डूब जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला ने यहीं अपने बयान को नहीं रोका। उन्होंने कहा कि अगर भारत फिरका परस्त हो गया तो कश्मीर देश के साथ नहीं रहेगा। हिंदुस्तान फिरका परस्त नहीं बन सकता, और अगर हिंदुस्तान फिरका परस्त हो गया तो कश्मीर हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वाराणसी से चुनाव लड़ रहे नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया कि बड़े बुजुर्गों और विद्वानों से पवित्र नगरी काशी में पाप धोने आते हैं। ओम प्रकाश सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने नरेंद्र मोदी पर भी हमला करते हुए उन्हें खून की होली खेलने वाला बता दिया। बेशक इंसानियत खून से रंगा हुआ, खून से नहीं है, खून के समुन्दर से नहाया हुआ, हम उससे अधिक बढ़ के कह रहे हैं। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी मुल्क के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि मोदी साहब ने राजधर्म का पालन नहीं किया। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शन के न्यूज चैनल से बात करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। डीडी न्यूज के साथ बातचीत में मोदी ने कहा कि मनमोहन सरकार में दो सबसे बड़े झूठ बोलने वाले हैं, पहले हैं कपिल सिब्बल और दूसरे पी चिदम्बरम। दो रत्न ही है हमारे प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में, एक चिदम्बरम साहब और कपिल सिब्बल साहब। वे आइडियाज के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत एक्सपर्ट हैं, झूठ मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी उनकी इंडस्ट्री चलती है। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। मोदी ने कहा कि राहुल के बयान बचकाने होते हैं और वो उसी में उलझ जाते हैं। हमारे राहुल भैया को कोई चिट्ठी पकड़ा देता है फिर वो कुछ भी बोल देते हैं। अभी एक दिन बोल दिया कि एक में से दो बच्चे भूखे होते हैं। अब ये इनके जवाब में क्या दूं, एक में से दो बच्चे भूखे होते ही कहां से लाए। अब ये इनकी इनका ये लेवल है। मोदी ने अपनी बातचीत में इशारों के जरिए पाकिस्तान को भी चेतावनी दी। मोदी ने कहा कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो सबको मैसेज भी चला जाएगा। पर अगर फिर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक तबका है जो नहीं चाहता कि भाई इस तरह के संबंध अच्छे हों, उनको समझ आ जाएगा कि सरकार के समय क्या व्यवहार करना, वो पता चल जाएगा। वहीं गुजरात के विकास पर भी नरेंद्र मोदी बोले। मोदी ने कहा कि गुजरात का विकास मेरा नहीं, गुजरातियों की देन है। मोदी ने देववन से यही कहा है कि गुजरात जो भी है वो 6 करोड़ गुजरातियों के पसीने के परिणाम है। ये मोदी कह कह करके थक गया। अब तक नरेंद्र मोदी खुद को देश का जनता का चौकीदार कहते थे, लेकिन डीडी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने खुद को मजदूर बताया। तो मेरी जिंदगी तो एक मजदूर की जिंदगी है भाई, मजदूर की तरह ही जिया हूँ। आज भी मजदूर की तरह ही मुख्यमंत्री का काम करता हूँ। आज भी मजदूर की तरह भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का काम दिया है उम्मीदवार का, वो भी मैं मजदूर की तरह ही करता हूँ। और आगे वाले दिनों में भी जब तक ये शरीर मदद करे मजदूर की तरह ही जीना है, और हिंदुस्तान का मजदूर नंबर वन कहलाने का मुझे आनंद होगा। नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। अपने 3D भाषण में मोदी ने काले धन का कनेक्शन सीधे सीधे 10 जनपद से जोड़ दिया। मोदी ने एक मीट कारोबारी का नाम लेते हुए कहा कि 10 जनपद से मीट कारोबारी के लिए बहुत बड़ी डील हुई है। कौन आपका निकट का साथी है,
जिसको लेकर खुद भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सवाल या निशान लगा रहा है। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस सरकार और 10 जनपद को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की। मोदी ने कहा कि इस डील के लिए हुई बातचीत में 300 घंटे का टेप आईटी के पास है। भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके यहां 60 जगह पे छापे मारे और भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो ईमानदार अफसर थे वो इसके पीछे लगे हुए थे, बराबर फॉलो कर रहे थे। उनके पास इस व्यापारी की 300 घंटे की बातचीत की टैप मौजूद है और उस टैप के अंदर जो बातें हैं वो देश के सामने गंभीर सवाल पैदा करते हैं। मोदी के इस हमले पर कांग्रेस तिलमिला गई। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि इन बातों के जरिए मोदी वोटों की राजनीति करने में लगे हुए हैं। नाम लेकर के गोश्त एक्सपोर्ट का जिक्र करके वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इलेक्शन को पोलराइज करने का भी काम कर रहे हैं। मोदी के हमले का जवाब सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने दिया। नीलू से बातचीत में अहमद पटेल ने मोदी को जहर की फैक्ट्री कह दिया कि यहाँ तो जहर की फैक्ट्री है, वो तो उगलते हैं जहर, और जब उगलते हैं तो उससे देश को नुकसान होता है, राष्ट्र को नुकसान होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। चिदम्बरम ने मोदी को एक नंबर का झूठा और एनकाउंटर चीफ मिनिस्टर करार दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर सीधा हमला बोलते हुए 6 मिनट की फिल्म जारी की है। दामाद श्री नाम की इस फिल्म के जरिए बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकारों ने वाड्रा की मदद की और उनकी संपत्ति दिनों दिन बढ़ती चली गई। बीजेपी ने वाड्रा पर फिल्म के साथ साथ एक बुकलेट जारी की। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जवाब दें कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा इतनी तरक्की कैसे करते चले गए। हैं श्रीमती सोनिया गांधी से और श्री राहुल गांधी से, वो रॉबर्ट वाड्रा मॉडल के जबरदस्त विकास और धनार्जन के बारे में विस्तार से बताएं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि सिर्फ 1 लाख की पूंजी से रॉबर्ट वाड्रा ने 300 करोड़ की कमाई ऐसे वक्त में की जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर था। बीजेपी ने वाड्रा के बहाने गांधी परिवार और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा गया तो प्रियंका गांधी सामने आई। प्रियंका ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी बौखलाहट में इस तरह के आरोप लगा रही है लेकिन वो डरने वाली नहीं। खिलाए हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। मुझे मालूम था कि चुनाव के 1-2 दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है और इनको करने दीजिए, जितना करेंगे उतना, जितना करना चाहें करें, मैं इनसे नहीं डरती हूँ। प्रियंका ने कहा कि वो बीजेपी की विनाशकारी और नकारात्मक राजनीति के खिलाफ ऐसे ही बोलती रहेंगी। वहीं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रियंका की लोकप्रियता से घबराकर बीजेपी उनके पति को निशाना बना रही है। कांग्रेस ने बीजेपी से यह भी पूछा कि आखिर नरेंद्र मोदी ने अडानी को कम दर पर जमीन क्यों दी। कांग्रेस ने यह भी कहा कि मोदी ने गुजरात एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की जमीन कार कंपनी को सस्ते में दे दी। प्रियंका गांधी का नरेंद्र मोदी पर हमला लगातार जारी है। रायबरेली में मां का प्रचार करने आई प्रियंका ने मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि देश चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं दरिया दिली की जरूरत है। प्रियंका ने मोदी को निशाने पर लेते हुए यह भी कहा कि देश चलाने के लिए गुरूर नहीं बल्कि नैतिक शक्ति की जरूरत होती है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी उनसे काफी गुस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि सामने आने पर शायद मां बेटे उन्हें जिंदा ही न छोड़े। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि चूंकि उन्होंने गांधी परिवार को ललकारा है इसलिए मां बेटे उनसे बेहद गुस्सा है। यूपी के झांसी में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि राहुल के बयान सुनकर हंसते हंसते पेट फूल जाता है। मोदी ने कहा कि राहुल गांधी गुजरात के बारे में झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में लोकायुक्त है लेकिन राहुल को ये भी नहीं पता। मोदी ने कहा कि सोनिया गांधी के सलाहकार राहुल गांधी के लिए भाषण लिखते हैं लेकिन मां के ही सलाहकारों से राहुल की बनती नहीं है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पीएम से लेकर कई मंत्री चुनाव से भाग गए। मोदी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि एसपी बीएसपी कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं।
मोदी के पीएम बनने के सपने को नकारने वाले बयान भी लगातार आने जारी है। शरद पवार के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने भी भविष्यवाणी की है कि एनडीए सरकार बनने पर भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। कानपुर में मुलायम ने कहा कि मोदी का विरोध बीजेपी वाले ही करेंगे। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकेश आडवाणी ने कहा कि चुनाव बाद पार्टी उनकी भूमिका को तय करेगी, वो उसके लिए तैयार है। पार्टी के फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, मेंटर सब हैं, लेकिन 2014 के चुनाव के बाद अपना किस तरह का रोल फोर्सी करते हैं आप खुद? मैं कोई फोर्सी नहीं करता हूं, मुझे नहीं पता, पार्टी जो मुझे कहेगी वो मैं करूंगा। आडवाणी ने यह भी कहा कि यह चुनाव अब तक के सारे चुनावों से अलग होगा और बीजेपी की सरकार बननी तय है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में आडवाणी ने कहा कि कांग्रेसियों को भी भरोसा नहीं कि उनकी वापसी होगी। कोई आपको मिलेगा ही नहीं ऐसा जो कहे कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से आने वाली है। ईमानदारी की बात करो तो कांग्रेस वाला भी नहीं कहेगा, वो भी संकोच करता है। ये जो अचानक जो भगदड़ चली है ना, बीजेपी ज्वाइन करो, ये अनायास नहीं है और इसीलिए मैं सवाल पूछता हूं आज अपने लोगों से, तो मैं ये सवाल नहीं पूछता हूं कि कितनी सीटें आएंगी क्या आएंगी। मैं उनको कहता हूं कि ऐसा तो नहीं कि हमको ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। सातवें चरण की वोटिंग के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। नौ राज्यों की 89 सीटों के लिए 30 अप्रैल को मतदान होना है। इस दिन कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। बड़ौदा से बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, रायबरेली से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की किस्मत का फैसला भी 30 अप्रैल को ईवीएम में बंद हो जाएगा। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और लालकृष्ण आडवाणी की किस्मत का फैसला भी इसी दिन होना है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रियंका गांधी रायबरेली में रोड शो करेंगी। इसके अलावा प्रियंका कई नुक्कड़ सभाएं भी करेंगी। दोपहर के वक्त प्रियंका पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी, फिर रोड शो के लिए निकलेंगी। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी आज गुजरात में कई जगहों पर विरोधियों पर गरजेंगे। अमरेली, पंचमहल, नाडियाड और मोडासा में मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे। राहुल पहले पंजाब के बठिंडा और फरीदकोट में रैली करेंगे, इसके बाद वो यूपी का रुख कर कानपुर और हमीरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुषमा स्वराज आज बिहार के दौरे पर रहेंगी। बिहार के बेनीपत, महाराजगंज और सारण में सुषमा चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह आज पुराने लखनऊ में रोड शो करेंगे। इस रोड शो में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव आज कानपुर के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए रोड शो करेंगे। रामदेव के राहुल गांधी पर विवादित बयान के बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने ताजा दिशा निर्देश जारी किया, जिसके बाद लखनऊ जिला प्रशासन ने योग के नाम पर रामदेव के सियासी प्रचार पर रोक लगा दी। अलीगढ़ में दलित समाज के लोगों ने योग गुरु बाबा रामदेव का पुतला फूंका। ये लोग दलित समाज पर दिए गए विवादित बयान से नाराज है। रामदेव ने कहा था कि राहुल गांधी दलितों के घर हनीमून मनाने जाते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव के पोस्टर पर जूते मारकर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि रामदेव का राहुल गांधी पर दिया गया बयान और दलित विरोधी है। इन लोगों ने रामदेव पर केस दर्ज करने की मांग की। बाबा रामदेव के विवादित बयान को लेकर विरोध थमता नहीं दिख रहा। पंजाब के गुरदासपुर और पटियाला में दलित समाज के लोगों ने बाबा रामदेव के हनीमून वाले बयान के विरोध में मोर्चा खोला और उनका पुतला फूंका। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भी समुदाय के लोगों ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोला। उनके बयान के विरोध में लोगों ने नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका। कांग्रेस ने मांग किया कि आपत्तिजनक बयान देने वाले बाबा रामदेव की गिरफ्तारी होनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी ने कहा कि बाबा रामदेव ने जो कहा वो माफी लायक कतई नहीं है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी एलजेपी के सुप्रीमो रामविलास पासवान ने कहा कि बाबा रामदेव ने बयान पर खेद व्यक्त किया है, इसीलिए अब इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। यूपी सरकार में इस बार कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह की जुबान खराब हो गई। ओम प्रकाश ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल बीजेपी की नाजायज औलाद है। केजरीवाल तो नाजायज औलाद भारतीय जनता पार्टी है क्या? नाजायज तो जल्दी जायज होता नहीं है, हमें बड़ा कई पुश्त लग जाता है।
भड़काऊ भाषण देने के मामले में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की जमानत याचिका पर आज बोकारो कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल गिरिराज ने बोकारो में भाषण देते हुए कहा था कि जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते वो पाकिस्तान चले जाएं। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के एक दूसरे पर बढ़ते निजी हमले से चुनाव आयोग भी चिंतित है। चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी की है, नेताओं से दूसरों की निजी जिंदगी पर बयान देने से बचने को कहा है। प्रियंका गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में रोड शो किया। प्रियंका ने रोड शो के दौरान लोगों से गाड़ी से उतरकर बात भी की। गुजरात के भरूच में कांग्रेस के स्टार प्रचारक राज बब्बर ने मोदी के खिलाफ जमकर हमला बोला। राज बब्बर ने कहा कि मोदी फर्जी चौकीदार हैं और वो सिर्फ अपना भला चाहते हैं। गुजरात के सुरेंद्र टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो किया। यहां के लिबड़ी इलाके में ये रोड शो निकाला गया। इन टीवी कलाकारों ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट देने की अपील की। लखनऊ में कांग्रेस उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी ने वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी से मुलाकात की। शनिवार को राजनाथ सिंह एनडी तिवारी से मिले थे, जिससे कांग्रेस के गलियारों में हलचल तेज हो गई। दरअसल लखनऊ के उम्मीदवारों की नजर पहाड़ियों के वोट बैंक पर है। एक आंकड़े के मुताबिक लखनऊ में करीब 70,000 पहाड़ के लोग रहते हैं। माना जा रहा है कि एनडी तिवारी की पहाड़ियों में अच्छी पकड़ है। दो अलग अलग घटनाओं में यूपी और बिहार के मुख्यमंत्री बाल बाल बच गए। अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर से चिड़िया टकराने से को पायलट घायल हो गया। वहीं सहरसा में खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इटावा में सैफई में एसपी सुप्रीमो बलराम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया गया। उनके पौत्र तेज प्रताप ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर मुलायम अखिलेश समेत परिवार के सभी लोग मौजूद थे। 90 साल की उम्र में उन्होंने इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज में शनिवार रात आखिरी सांस ली। वो काफी समय से बीमार चल रहे थे। बिहार के सहरसा में पुलिस को गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 3,03,000 रुपए कैश बरामद हुआ। एक शख्स बाइक से इन पैसों को ले जा रहा था। यहां 30 अप्रैल को मतदान होना है। पुलिस ने शख्स को हिरासत में ले लिया। श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला की रैली की जगह पर ग्रेनेड हमला हुआ। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फारूक अब्दुल्ला पूरी तरह से सुरक्षित है। फारूक अब्दुल्ला ने ग्रेनेड से हमले की विरोधियों की साजिश से कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे कोई कितने भी हमले कर ले, हम डरने वाले नहीं हैं। अब मागाम जा रहे हैं, वहाँ पे ग्रेनेड हमला हुआ। जोर यहाँ क्यों नहीं, या हजारों ग्रेनेड मारे फारूक अब्दुल्ला न तो ग्रेनेडों से डर। दिल्ली वालों पर अप्रैल में लगे बिजली के झटके का असर दिखने लगा है। लोगों को मिले बिजली के बिल में दोगुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारी भरकम बिजली के बिल से लोग परेशान हैं। दिल्ली में कई घरों में पहले जहां 1200 रुपए बिजली का बिल आता था, वहां 3200 रुपए बिजली का बिल आया है। दिल्ली के नए बजट में सरकार ने 31 मार्च से बिजली पर सब्सिडी खत्म करने का ऐलान किया था। टर्सरी दाखिले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पेरेंट्स की बढ़ती परेशानी को देखते हुए कोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई करने पर सहमति जता दी। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली गैंगरेप और मर्डर केस में दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अपनी मौत की सजा के खिलाफ मुकेश और पवन नाम के दो आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। 16 दिसंबर 2012 को इन दरिंदों ने एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ गैंगरेप किया और उसकी जमकर पिटाई की। कुछ दिन बाद पीड़ित की मौत हो गई थी। जोधपुर के सेशन कोर्ट में आज आसाराम की पेशी होगी। कोर्ट आज आसाराम की बीमारी वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस आर एम लोढ़ा सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नए चीफ जस्टिस को शपथ दिलवाई। राजेंद्र कुमार लोढ़ा ने जस्टिस पी सदाशिवम की जगह ली। जस्टिस आर एम लोढ़ा सुप्रीम कोर्ट के 41वें चीफ जस्टिस बने हैं। लोढ़ा अगले 5 महीने तक चीफ जस्टिस बने रहेंगे। शपथ लेने के बाद नए चीफ जस्टिस ने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अच्छे जजों की नियुक्ति मेरी प्राथमिकता होगी। इंदौर में पुलिस वालों की गुंडई सामने आई। जीआरपी में पुलिस वालों ने मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की। दरअसल इंदौर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग के गुंडों ने इंडिया न्यूज के कैमरामैन के साथ मारपीट की थी और जब इसी बात की शिकायत लेकर मीडिया कर्मी जीआरपी थाने पहुंचे तो उन्हें थाने के अंदर बंद करके पीटा गया। मीडियाकर्मी पार्किंग के गुंडों की शिकायत करने गए थे, लेकिन उनकी शिकायत सुनने के बजाय पुलिस वाले उन पर ही बरस पड़े। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने पत्रकारों से मारपीट मामले में रेलवे पुलिस को जिम्मेदार बताया। गृह मंत्री गौर ने रेलवे के आला अधिकारियों को दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए।
दिल्ली सटे गाजियाबाद में आग ने कहर बरपा दिया। साहिबाबाद के भोपरा इलाके में सुबह सुबह भीषण आग लग गई। आग की वजह से कितना नुकसान हुआ है ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन दर्जनों लोग लापता हैं। आग की चपेट में आकर कई लोग झुलस गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चैंबर नंबर 134 में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। दिल्ली के अमर कॉलोनी में एक शख्स ने अपनी चचेरी बहन की चाकू मारकर हत्या कर दी। गुड़गांव में एक युवती ने अपने भाई पर रेप का आरोप लगाया है। एमपी के देवास में घरेलू गैस पाइपलाइन में धमाके के साथ हुआ, हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। उज्जैन के महाकाल मंदिर में पुजारियों ने महाकाल को गर्मी से निजात दिलाने के लिए सहस्त्र जलधारा चढ़ाना शुरू कर दी है। पाकिस्तान से भारत के राजस्थान में आया एक परिवार अपने देश न लौट पाने की वजह से परेशान है। फातिमा को कहा गया है कि उसका बच्चा पाकिस्तान नहीं जा सकता। इसके बाद फातिमा का परिवार वापस अपने रिश्तेदारों के घर लौट आया। भारत ने पहली बार ओडिशा में रक्षा केंद्र से एक्सो एटमोस्फेरिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया।